दूसरे कृष्ण जिस बांसुरी को बजाते थे उसमें 7 छिद्र थे और वो अपने 6 उंगली से वो बांसुरी को बजाते थे और वो अपने माता पिता के 8वें संतान से 786। अब बोलिए तथ्य हम भी दे रहे हैं। दुनिया के दो ऐसे धर्म जो आपस में काफी मिलते जुलते हैं लेकिन उनकी बात नहीं बनती। कई सारी समानता होने पर भी एक दूसरे में अक्सर दूरी बनाने वाले ये दो धर्म आखिर कौन से हैं? क्या क्या समानताएं हैं इन धर्मों के बीच? कहीं दुनिया एक ही सिक्के को अलग अलग पहलू से तो नहीं देख रही? आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी दुनिया में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। हर किसी का अपने धर्म को लेकर एक अनोखा विश्वास होता है और हर धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। वैसे कुछ भी हो, हर धर्म का यही कहना है कि भगवान यानी गॉड तो एक ही है। पर चाहे धर्म हिंदू हो या फिर मुस्लिम, वैसे इन दो धर्मों की बात आई है तो इन धर्मों के बीच चलने वाली तनातनी और मनमुटाव किसी से छिपे नहीं है। और ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा जाता है कि ये दोनों ही धर्म एक दूसरे से बेहतर होने की कस्में खा रखे हैं। हालांकि इस बैर भाव की भावना को दूर करके कोई इन दोनों ही धर्मों की समानताओं को नहीं देखना चाहता। जबकि देखा जाए तो हिंदुइज्म और इस्लाम में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम के प्रोफेट्स और हिंदुइज्म में भगवान के अवतार की। अब जैसे कि इस्लाम के मुताबिक प्रोफेट्स अल्लाह के मैसेंजर्स थे जो खुद इंसान ही थे और इंसानों के बीच रहकर इंसानों की ही भाषा बोलते थे, जिनका मकसद समाज और धर्म को बेहतर बनाना था। वहीं हमें हिंदू धर्म के वेदों में ऋषि मुनि और संत के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। हाँ, वेदों में हमें भगवान का अवतार इन्हें नहीं कहा जाता, लेकिन ऋषियों को अधिकारी पुरुष यानी सुपर ह्यूमन पावर वाले इंसान जरूर बताया जाता है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान धरती पर दो वजहों से अवतरित होते हैं, जिसमें पहला लोगों को सीख देने के लिए और दूसरा उन्हें बुराइयों से आजाद करने के लिए। साथ ही वो अपनी जीवन शैली से लोगों को इंस्पायर करते थे, यानी वो जानते तो जन्म से ही सब कुछ है लेकिन इंसानों को इंस्पायर करने के लिए वो उन्हें उदाहरण देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। वैसे आप मेडिटेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे एकांत में करने से बहुत ही शांति मिलती है और इससे हमें किसी भी चीज पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने की पावर भी मिलती है। इसके अलावा भी कई बेनिफिट होते हैं मेडिटेशन के, लेकिन शायद इन सब के अलावा आप ये नहीं जानते होंगे कि इससे हिंदू और इस्लाम धर्म की एक बड़ी समानता जुड़ी हुई है। जैसे कि वेदांत में मेडिटेशन के 3 स्टेजेस दिए गए हैं, जो धारण, ध्यान और समाधि हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम कुरान में देखें तो इसमें भी सच की रियलाइजेशन के लिए 3 स्टेजेस हैं, आयनाल यकीन और इल्मुल यकीन और मुकम्मल यकीन। यानी आप समझ सकते हैं कि यह चीज भी कितनी समानता है दोनों धर्मों में। अब इस तरह से भारतीय सूफियों ने वेदांत और हिंदू धर्म की सहायता से ये बात फॉलो की, जिससे वो जान पाए कि किस तरह ध्यान के दौरान कॉन्सेंट्रेट गेन किया जा सकता है। वेल, ये तो हम सब जानते हैं, भले ही धर्म कोई सा भी हो, लेकिन भगवान के साथ एक होने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है और इसे ही हिंदुइज्म में जप और इस्लाम में जिक्र कहा जाता है। मतलब नाम अलग, मतलब एक। जैसे कि कुरान के मुताबिक जिक्र 2 तरह के होते हैं, एक जहरी जिसे जोर जोर से बोलकर किया जाता है और काफी जिसे धीमी आवाज में बोला जाता है। इसके साथ ही सूफिज्म में जिक्र का तीसरा तरीका भी होता है, जिसे सुल्तान उल अजक्र कहा जाता है। इसमें अल्लाह का नाम जुबान से नहीं बस मन में ही लिया जाता है। वहीं हम बात करें हिंदू धर्म की तो यहां जिक्र को जप के नाम से जाना जाता है, जिसे 3 तरीके से किया जाता है। पहला वाचिक जप, जिसमें जोर जोर से भगवान का नाम याद किया जाता है। दूसरा अपामशु जप, जिसमें कुछ इस तरह से भगवान को याद करना होता है कि सिर्फ बोलने वाले यानी सिर्फ आपको ही वो आवाज सुनाई देनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा है मनसा जप, जिसमें जुबान से बोले बिना सिर्फ मन में ही भगवान को याद किया जाता है। अब दोस्तों, इन दोनों ही धर्मों की मान्यताओं की बात करें तो दिखने में हमें जितना अलग और असमान लगता है वैसा कुछ नहीं है। अब चलिए हम हिंदुइज्म में भगवान को 2 कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं।
जिसमें एक है सगुण ब्रह्मन, दूसरा है निर्गुण ब्रह्म, यानी भगवान को पाने के लिए इंसान को अपने अंदर भगवान की छवि बनानी होगी, जिसे सगुण ब्रह्म कहा जाता है। और फिर इस छवि पर अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगाने से निर्गुण ब्रह्म यानी हिंदुइज्म के मुताबिक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बस दोस्तों, इन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से आइडल वर्शिप का जन्म हुआ। जी हाँ, यानी असल भगवान को पूजने की बजाय उनकी मूर्ति और तस्वीर को पूजना, जिसके द्वारा आप रियल भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि पहले इस तरीके को केवल ध्यान लगाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन समय बीतते यह ध्यान लगाना एक तरह से कॉमन प्रैक्टिस बन गया। आइए अब हम यहां पर भागवत गीता से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यह कहा था कि उन्हीं से दुनिया की हर चीज बनी है, यानी हम इंसान भी। वही कुरान में देखें तो उसके अर्रम 30 में भी हमें यह जानने को मिलता है कि अल्लाह ने सभी इंसानों को बनाया। वहां साफ साफ लिखा है, ही हैज क्रिएटेड ऑल पीपल्स, यानी कुरान में आपको सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुरान में अल अन्म 103 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि इंसान को बनाने वाले अल्लाह किसी की नजर में नहीं आते, लेकिन उसकी नजर में सब आते हैं। वो हर जर्रे में है और सबसे परे हैं। इसका मतलब हर जर्रे में रहने वाला अल्लाह इंसानों में भी है, और इसका मतलब है सगुण ब्रह्म। इसके अलावा उन्हें सब कुछ नजर आता है, इसमें उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भी बात कही। हालांकि हिंदुइज्म की तरह इसमें अल्लाह की मूरत बनाना और तस्वीर को पूजना ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। दोस्तों, यही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों में ही समान हैं। जैसे हिंदू धर्म में सबसे पहले ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती हैं, वहीं इस्लाम में सबसे पहले आने वाले पैगंबर अब्राहम थे, जिन्हें इब्राहिम कहा जाता है, उनकी पत्नी सारा। इस सब से दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू देख रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, जैसे इस्लाम में हज के लिए मक्का जाते हैं, वैसे हिंदुइज्म में तीर्थ जाते हैं। वेल, आगे भी इन्हीं सिमिलर बातों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अब दोस्तों, इस्लाम और हिंदू धर्म में अक्षरों का भी अलग ही महत्व है। हालांकि समानता पर ज्यादातर लोगों ने गौर नहीं किया होगा। जैसे कुरान में 29 सुरा की शुरुआत में कई हरूफ ए मुकातत हैं। बताया जाता है कि अक्षर काफी पावरफुल होते हैं। वह हिंदू धर्म में भी कई बीज अक्षर हैं जिनमें शक्तियां होती हैं। इसमें एक बीज शब्द ओम, इसके अलावा दूसरे श्री, हीम, क्लीम, एम, दम और ओम नमः शिवाय। अब 786 अंक की बात कर लेते हैं। 786 एक ऐसा अंक है जिसके जरिए इस्लाम और मिस्र के लोगों का यह मानना है कि 786 अंक बहुत पवित्र है। यह अंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म का मानना है कि 786 अंक का ओरिजिन इस्लाम धर्म है। हाँ, ये बात भी सच है कि इस्लाम में इस पवित्र अंक की महत्वता का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। असल में दोस्तों, इस्लाम में बिस्मिल्लाह के स्थान पर इस अंक का यूज किया जाता है। ये मोहम्मद पैगंबर के समय से नहीं है। वहीं हम सनातन धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अनुसार 786 का मतलब ओम होता है। वैसे इस मैजिक नंबर को संस्कृत में देखा जाए तो ओम जादुई संख्या 786 दिखाई देगा। ज्योतिष के अनुसार अंक को परस्पर जोड़ा जाए तो 7 + 8 + 6 = 21, और 21 को भी परस्पर जोड़ा जाए तो 2 + 1 = 3। ये तीन अंक लगभग सभी धर्मों के लिए शुभ हैं, यानी तीन उच्च महाशक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इसी तरह अल्लाह, पैगंबर और नुमाइंदे की संख्या भी तीन। अब इन सब के अलावा हम बात करते हैं बलिदान के। हिंदू धर्म में कुछ देवी देवताओं को बुरी शक्तियों के विनाश के रूप में जाना जाता है, जैसे राक्षसों को मारना, उनका खून पीना, और कहा जाता है कि इन देवी देवताओं को खुश करने के लिए यही भेंट देनी चाहिए। जैसे एक राक्षस को हराने के लिए काली को एक रक्त बीज नाम के राक्षस के खून की एक बूंद पीनी पड़ी, और इसी वजह से कई मंदिरों में देवी काली को बकरियों और मुर्गियों की बलि के रूप में चढ़ाते हैं। वह इस्लाम में कुर्बानी तो आम बात है।
जो हजरत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी को दर्शाता है। इस तरह से दोस्तों कई हैरान कर देने वाली समानताएं हैं जो वाकई में लोगों को हैरान कर देती हैं। वेल, इस वीडियो में दोनों धर्मों की समानता के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को याद से दबा लें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।